गरीब लोगों के उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही है, मगर आज भी कई ऐसे परिवार हैं जो इन योजनाओं से कोसों दूर हैं, जिसके लिए कहीं जनप्रतिनिधि तो कहीं प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेवार है। ऐसा ही एक परिवार है नाहन विधानसभा क्षेत्र की निहली थीड़ा पंचायत के मलगांव गांव का। इस परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। नाहन विधानसभा क्षेत्र की नहली धीरा पंचायत के मलगांव का एक परिवार गुर्बत की मार झेल रहा है, मगर हैरानी की बात ये है कि इस परिवार को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। 45 वर्षीय दिव्यांग संजीव कुमार के परिवार के पास ना तो रहने के लिए सुरक्षित मकान है और ना ही खाने पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन। संजीव कुमार का कहना है कि वे दिव्यांग होने के कारण कामकाज करने में असमर्थ है। बचपन से ही संजीव के दोनों हाथों और एक पैर की उंगलियां नहीं है, ऐसे में परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि सरकार कई योजनाएं चला रही है, मगर उनके परिवार को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। परिवार के पास रहने के लिए पुश्तैनी मकान है जो कभी भी ढह सकता है। संजीव कुमार ने कहा कि उन्होंने पंचायत से कई बार मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा देने की गुहार लगाई, मगर पंचायत ने हमेशा गरीब परिवार की बात को अनसुना किया है। फैमिली की कंडीशन बहुत गरीब है और मैं भी हैंडीकैप्ट हूँ। हाथ देखो मेरे, पांव देखो, हैंडीकैप्ट है। और मैं सरकार से यही चाहता हूँ, जब सरकार दे रही है तो हमारे को भी मिलनी चाहिए। आज तक ना पंचायत वाले ने नहीं पूछा हमारे को, ना दी। और शौचालय भी मैं सरकार से यही चाहता हूँ, वही शौचालय आज तक हमारी क्यों नहीं बनी। पंचायत वाले क्या बोलते, गए थे पंचायत? पंचायत में गया था, कई बार गए, और उन्होंने ये बोला भाई हमने डाल दी और आ जाएगी, अभी तक आई नहीं। 12-13 साल मेरी शादी को हो गए और बच्चे भी है दो, और एक साथ में माता जी भी है। और मैं चाहता हूँ जब सरकार दे रही है तो इन्होंने घर के लिए क्यों नहीं दिया, जब प्रधानमंत्री योजना है तो इन्होंने क्यों नहीं हमारे को दिया, ना पूछा इन्होंने पंचायत वालों ने। संजीव कुमार की माता का कहना है कि वे कई सालों से पंचायत घर के चक्कर काट रही है। उन्होंने कहा कि मकान की सुविधा देना तो दूर, पंचायत उनके लिए शौचालय तक नहीं बना पाई जो हर घर में बनना अनिवार्य है। बूढ़ी माँ को इस बात की चिंता सता रही है कि कभी भी सदियों पुराना उनका आशियाना ढह सकता है। मेरा जो घर है 70 साल पुराना है, इसकी कड़ियाँ भी टूट रही, छत भी टूटी, बर्ते भी टूट रहे, क्रेंची भी टूट रही, इसमें दबने का खतरा है। अरे फिर मैं सोच रही हूँ भाई, अगर नया जब सरकार सब कुछ सुविधा दे रही तो पंचायत क्यों नहीं देती है। शौचालय के लिए मैंने एक साल हुआ दरखास्त दी हुई, ना सेक्रेटरी सुनता ना प्रधान सुनता, कोई नहीं सुनता। अब क्या करें, दुवाल में सिर मारें तो सिर टूटेगा, दुवाल नहीं टूटेगी, मारे तो मुश्किल होगी खड़ी। परिवार का पालन पोषण कर रही दिव्यांग संजीव कुमार की पत्नी सुमोती देवी ने कहा कि वे कुछ फसलें उगाकर परिवार का पालन पोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें अकेले दिन रात काम करना पड़ता है, तब जाकर मुश्किल से परिवार का गुजर बसर हो पाता है। उन्होंने मांग की है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत उन्हें सुविधाएं दी जाए। हम चाहते सरकार से हमारे को सुविधाएं दी जाए, घर के लिए पैसा, शौचालय के लिए पैसा, ओबरा के लिए पैसा, और खाने को भी कुछ सुविधाएं दी जाए। तो अभी क्या स्थिति, कैसे गुजारा हो रहा है? अभी भी खेती बाड़ी में करते, कहीं मिर्चा लगाते, कहीं अदरक, कहीं टमाटर, कहीं लहसुन लगाते, प्याज लगाते, तब गुजारा कर रही हूँ मैं तो दिन रात एक बराबर। खेत में काम कौन कौन करता है? मैं करती हूँ, पति तो एडी कैंप है, हाथ से भी पांव से भी, इन्होंने कैसा करना है, बच्चे मेरे छोटे छोटे, माता बुजुर्ग है, इनसे भी किया नहीं जाता है काम, मैं दिन रात लगती रहती हूँ काम। बबराम प्रधान के पास भी हम कई बार चले गए, वो बोलता है सेक्रेटरी के पास जाओ, और सेक्रेटरी बोलता है प्रधान के पास जाओ।
संजीव कुमार को सरकार से मदद के नाम पर मिल पाई है तो वो है विकलांगता पेंशन। हैरानी इस बात की होती है कि जब ऐसे गरीब लोगों के उत्थान के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है तो क्यों इसका लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठता है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।